नहीं भैया, सब लोगों में बहुत उत्साह बहुत उमंग है क्योंकि हर वोट मोदी जी को जाने वाला है। आपकी लाइन लंबी लगी हुई है, सभी राष्ट्रवाद की विचारधारा को वोट करने वाले वोटर सभी आ रहे हैं। किसी को भी वोट दो, जीतेगा तो मोदी जी, सो डजंट मैटर आप किसको वोट दे रहे हो। दिला रहे हैं, वोट दे रहे हैं, राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों पर सुबह से ही जैसे रुझान देख रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे तीखी धूप है, चिलचिलाती धूप में भी लोगों में उत्साह है, लोग मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दोपहर का समय है और अब कुछ संख्या मतदाताओं की घटी है, कतार कम हुई है इसकी। हालांकि आप देख सकते हैं मैं राजसमंद जिला मुख्यालय पर गांधी सेवा सदन परिसर में हूं और यहां पर 4 मतदान केंद्र हैं। लोग यहां पर आकर वोट दे रहे हैं, मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक सेल्फी स्टैंड जो बना रखा है निर्वाचन विभाग द्वारा, मतदान के बाद लोग यहां सेल्फी भी ले रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से कई मतदाता उत्साहित हैं, मतदान घट रहे हैं, कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? प्यारी। कहाँ रहते हो? सुशील नगर मावे। वोट दिया? हाँ। लोगों में वोट देने को लेकर ये इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग समझा रहे हैं वोट देना चाहिए, लेकिन लोग कम क्यों, रुचि क्यों घट रही है? क्या पता भैया, मैंने तो दे दिया। हाँ, क्या लग रहा है लोगों में, ये ऐसा जो घट रहा है वोट हर आदमी को देना चाहिए? नहीं घटना चाहिए, देना चाहिए वोट, तो लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें हैं, लोगों में उत्साह है, कुछ नए वोटर भी आ रहे हैं, युवा वोटर भी हैं, लेकिन फिर भी जैसे इन्होंने मतदाताओं ने कहा है कि वोट देना हर मताधिकार हर वोटर का अधिकार है। निर्वाचन विभाग की ओर से काफ़ी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं, इस तरफ कूलर की सुविधा है, सोफे लगाए रखे हैं ताकि कोई लंबी कतार हो तो वो इंतज़ार भी किया जा सकता है। कुछ उनकी सुविधाओं को लेकर मतदाता जैसे असहाय बेसहारा अगर कोई आता है तो उन वोटर को वोट डलवाने के लिए विशेष तौर से स्काउट गाइड के भाई भी तैनात हैं, इनसे भी बात कर। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। आज सुबह से कितने लोगों की मदद की? आज हमने वो 40-50 जने जो बुजुर्ग आए उनको व्हील चेयर पर वोट देना नहीं लेके गए, जिनको कम दिखता है उनकी मदद की हमने, जिसको पानी पिलाया, पानी पिलाने का काम किया। कितने मतलब लोग आए, किस किस तरह के, क्या कैटेगरी? हर तरीके के लोग आए, थोड़े बहुत जैसे कि थोड़े बहुत विकलांग थे, थोड़े बहुत वृद्ध थे, युवा भी थे जिनके मतलब कि एबल नहीं थे यहाँ तक आने में, तो उनको लेके आए हम लोग व्हील चेयर पर। कहाँ से कहाँ? डायरेक्ट बूथ तक ले जा रहे हो? जी, यहाँ से बाहर से वहाँ तक, बूथ तक। बिल्कुल, ये जैसे सुविधाएं निर्वाचन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई हैं और जिससे कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित न हो, उसे कोई असुविधा न हो। मैं राजसमंद में गांधी सेवा सदन परिसर के एक बूथ पर खड़ा हूँ जहाँ पर अभी भी लगातार वोटर मतदान के लिए आ रहे हैं, उत्साह लोगों में दिखा जा रहा है, आम लोगों में। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर कुल 1472 वोटर हैं जिसमें से अब तक 537 वोट पड़े हैं। 12:41 हुए हैं, 1:45 का समय हुआ है और 1472 में से 537 लोगों ने वोट दिया है, मताधिकार का उपयोग किया है और अभी भी कतार महिला पुरुषों की आप पीछे देख सकते हैं, लगातार लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, सब में उत्साह देखा जा रहा है। कुछ वोटर से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ जैसे सुविधाएं हैं, काफ़ी निर्वाचन विभाग की तरफ से बाहर से ही इंतज़ार करने वाले की अगर तो उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था भी यहाँ कर रखी है, बाहर जा मतदान केंद्र के बाहर भी टेंट खींच रखा है, इसके अलावा जो ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं महिला और पुरुषों की 2 कतारें यहाँ देखी जा सकती हैं। सभी लोग मतदान को लेकर उत्साहित हैं, कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं, कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से इस शो में भाग ले रहे हैं।
वोट देने आए हो? बिल्कुल भैया। क्या वोट लोगों में मतदान को लेकर रुझान घट रहा है कि बढ़ रहा है? नहीं भैया, रुझान बढ़ रहा है, स्पेशली राजसमंद में। तो यहाँ कहाँ, अभी तो तुम काफी कम दिन का टाइम है भैया, धूप हो रही है। दोपहर बाद में आएंगे? बिल्कुल। सुबह तो ठीक थी लेकिन अभी दोपहर में जो, हालांकि यहाँ तीन बूथ के अलावा यहाँ तो ठीक है। नहीं भैया, सब लोगों में बहुत उत्साह, बहुत उमंग है, क्योंकि हर वोट मोदी जी को जाने वाला है। हर वोट तो कहाँ जाएगा? मोदी जी को जाएगा। यहाँ तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे मोदी जी। अरे भैया, तो महिमा कुमारी जी लड़ रहे हैं या दामोदर जी गुर्जर लड़ रहे हैं, दूसरे प्रत्याशी? भैया रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी के ही है वो। अच्छा, किसी को भी वोट दो, जीतेगा तो मोदी जी। सो डजंट मैटर आप किसको वोट दे रहे हो। अच्छा, आपकी बार 400 बार। तो आप तो प्योर भाजपा के कार्यकर्ता हो, तो आप इसलिए हो या नहीं हो, डजंट मैटर आप किसको वोट दे के आ रहे हो। आखिरी में जीत के तो मोदी जी को भी बाहर निकलना है, तो फिर क्यों हारने वाली पार्टी को वोट देना? जीतने वाली को तो एटलीस्ट हम बोल तो सकेंगे हमने जीतने वाली में कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, ये तो पहले अगर यूँ ऐसे ही सोचते तो भाजपा तो आगे बढ़ ही नहीं पाती। भाजपा जब जीरो से यहाँ तक पहुँची है, पहले तो एक तरफा कांग्रेस थी। ये भैया भाजपा की विचारधारा, ये भैया भाजपा की विचारधारा है जो यहाँ तक बढ़ी है, और हर बच्चा मोदी है तो मुमकिन है। चलो बिल्कुल, ये लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, और भी वोटर से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? प्रताप सिंह। क्या लग रहा है लोगों में मतदान को लेकर जो उत्साह बढ़ रहा है, ये घट क्यों रहा है? पिछले जैसे 12 सीटें जो हुई है, कम लोग आ रहे हैं। नहीं, वहाँ पर पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ पर तो उत्साह है काफ़ी। अभी दोपहर का समय है तो भी काफ़ी लाइन लंबी लगी हुई है। सभी राष्ट्रवाद की विचारधारा को वोट करने वाले वोटर सभी आ रहे हैं। मतदाता मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी को दे वो मतलब नहीं, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा अधिकार है, वोट देने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, दोनों है, तो इन दोनों चीज़ों को निभाना चाहिए। क्या लग रहा है सब लोग आ रहे हैं? सब मैं बड़े अच्छी पोजीशन पे है, मुख्य रूप से जो कुछ और सभी लोग बड़े उत्साहित हैं। वृद्ध जनों को भी आप देख सकते हैं ले जाया जा रहा है। स्काउट गाइड के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में, सेवाओं में जुटे हुए हैं, ताकि जो असहाय या वृद्ध जन हैं उनको कोई असुविधा ना हो। क्या वोट दिला रहे हो? वोट दिला रहे हैं, वोट दे रहे हैं, राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं। सभी से अपील करते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रहित में मतदान करें। तो वोट घट रहा है परसेंटेज, अगर लगातार पिछली जगह देख रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? प्रथम चरण मतदान कम हुआ था, पर द्वितीय चरण में मतदान की स्थिति अच्छी है, और जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छे संकेत हैं, और बढ़ना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। जयवर्धन न्यूज़ की भी अपील है, प्रशासन निर्वाचन विभाग लगातार यही प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ पर पहुँचे, अपने मताधिकार का उपयोग करें।